हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है M70 टेक में। मैं आमिर खान एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक और खूबसूरत सा फ़ोन लेकर, जो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग A23। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस फ़ोन का रिव्यू। दोस्तों ये हमारा सैमसंग का फ़ोन है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो फ्रंट में डिस्प्ले मिलेगा और राइट साइड में यहाँ पर मुझे पावर ऑन बटन मिलेगा। पर इस पावर ऑन बटन की खास बात है इसमें आपको फिंगर स्कैनर भी दिया गया है और उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर मिलेगा और ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपको सिम स्लॉट मिलेगा और नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक मिलेगा जो काफ़ी ज़बरदस्त बात है और माइक्रोफोन मिलेगा चार्जिंग के लिए टाइप सी और साउंड ग्रिल मिलेगा। दोस्तों अगर मैं इसके बैक की बात करूँ तो ये काफ़ी ग्लॉसी सा प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। इसका फ्रेम भी प्लास्टिक का है और ये काफ़ी कलरों में अवेलेबल है। हमारे पास जो मॉडल है ये पीच कलर का है और मार्केट में ब्लैक कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर भी अवेलेबल है। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो इसका जो डायमेंशन है 164x76x8.4 mm का है और जो इसका वेट है 195 ग्राम का है और इसमें जो बिल्ड यूज़ की गई है फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया है और जो इसका फ्रेम है प्लास्टिक का है। जो इसका बैक भी है ये ग्लॉसी प्लास्टिक यूज़ की गई है। अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें LCD डिस्प्ले दिया गया है और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है और इसका जो डिस्प्ले साइज़ है 6.6 inches का है और इसमें जो रेजोल्यूशन यूज़ किया गया है 1080x2408 pixel का है और जो प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। अगर मैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसमें इनबॉक्स एंड्रॉयड 12 मिलेगा और सैमसंग का One UI 4.1 मिलेगा आपको। और इसकी चिपसेट की बात करूं तो इसमें क्वालकॉम SM6225 स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया है। CPU जो है ऑक्टा कोर का यूज़ किया गया है और GPU एंड्रीनो 610 यूज़ किया गया है। दोस्तों इसमें माइक्रो SD स्लॉट दिया गया है, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है और जो इसमें इंटरनल मेमोरी है हमारे पास जो मॉडल है ये 128GB 6GB रैम वाला वेरिएंट दिया गया है और मार्केट में और भी वेरिएंट अवेलेबल है 64GB 4GB रैम, 64GB 6GB रैम, 128GB 4GB रैम, 128GB 6GB रैम, 128GB 8GB रैम फ़ोन अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर मैं इसे कैमरे की बात करूँ तो इसका कैमरा 50MP वाइड, 5MP अल्ट्रा वाइड है और 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ, 4 कैमरे के साथ ये फ़ोन आता है। LED फ्लैश भी आपको मिलेगा और इससे आप 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते पर 1080x30 fps की वीडियो शूट कर सकते हैं। फ्रंट में भी यहाँ पे आपको एक सिंगल कैमरा मिलेगा या ऊपर की तरफ नॉच जो 8MP वाइड है और इससे भी आप 1080x30 fps की वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो इसमें आपको लिपो 5000mAh की नॉन रिबल बैटरी मिलेगी और ये फास्ट चार्जिंग 25W सपोर्ट करता है। दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफ़ी दमदार फ़ोन है ये, मिड रेंज में है, तकरीबन 20,000 में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा और बहुत सारे कलर में अवेलेबल है और आप आपकी चॉइस के हिसाब से ये फ़ोन के कलर ले सकते हैं। और दोस्तों ये सैमसंग के साइट पर अवेलेबल है, उसकी डिटेल दे दी है और हाँ बेस्ट डील के लिए रिदम इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी ये अवेलेबल है, उसकी भी डिटेल दे दी है। सो दोस्तों जाने का वक्त आ गया, आप बताएं ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।